मैनेजमेंट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक व्हाट आर दोस। देखिए फीलिंग्स या जज्बात की कैफियत या हकीकत इतनी ही है कि जब ये अपने पीक पे होती हैं तो इनका पीक टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है, राइट। जज्बात की शिद्दत चाहे वो पॉजिटिव बहुत ही मुस्बत किस्म के जज्बात हों या कोई मनफी जज्बात हों, तो वो कोई आप समझें कि 15 से 20 मिनट की एक शिद्दत है जिसमें कि जैसे खुशी में भी हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी में भी यूफोरिया की अगर कैफियत है तो उसमें भी कोई फ़ैसला करना या कोई एक्शन लेना कोई बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड चीज़ नहीं है। तो आप समझे कि ये कोई लहर की तरह है, किसी वेव की तरह है कि जो आती है और गुजर जाती है, ठीक है। तो वो जो न्यूट्रल वक्त आपको उसके इर्द गिर्द मिलता है उसमें बेहतर है कि आप कोई फ़ैसले करें या कोई एक्शंस लें तो वो उनके वो कम रिग्रेटफुल आपके लिए होंगे, जो कि मनफी जज्बात पर तो जाहिर है कि बहुत ही सादिक आती है ये बात कि उसके असर में आके तो आपने कुछ भी ऐसा एक्शन करने की तरफ या इन एक्शन करने की तरफ नहीं जाना। सो इसको तो ओवर एम्फसाइज किया ही नहीं जा सकता कि इसकी मैनेजमेंट जो है वो ऑप्शन नहीं है, इसकी मैनेजमेंट मैंडेटरी है और वो करनी है, वो ज़रूरी है और वो करनी ही है। अच्छा, अब उसके लिए अगर कुछ हम कुछ अपनी ऑडियंस के लिए आसान बनाएं और कुछ टिप्स देने की तरफ जाएं, बहुत आसान है अगर आप अपने इमोशन लॉग को मेंटेन करने की तरफ जाते हैं। जैसे कोई अपनी जज्बात की डायरी जैसे हम बनाते हैं ना, तो इसका बहुत ही एक आसान तरीका मैं आपको बता दूं, जिसमें अगर आप 3 कॉलम्स बनाते हैं और टाइम, सिचुएशन और इमोशन, टाइम जी, सिचुएशन एंड इमोशन, 3 कॉलम्स हमने बना लिए, ठीक है। और थ्रू आउट द डे अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने टाइम इंटरवल के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम तो कहेंगे कि शुरू में तो आप आधे आधे घंटे के हिसाब से जो है जिस वक्त जैसे आप सुबह उठे हैं उसका वक्त लिखिए, उस वक्त क्या हालात हैं, क्या माहौल है, सिचुएशन के ज़ुमरे में आप उसको लिखिए और फिर उस वक्त आप महसूस कैसा कर रहे हैं, और इसको फिर अगर आप थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल्स के साथ उसको मेंटेन करें तो अपने बारे में जानकारी जो है या अपने आप को समझने में आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आसानी हो जाएगी बिल्कुल, रिटन जी। और ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आजकल गैजेट्स हमारे पास मौजूद हैं और अगर आप कॉपी पेंसिल पे नहीं कर सकते तो आप डेफिनेटली इस तरह का कुछ अपने नोट्स में या कुछ इस तरह से इसको मेंटेन कर सकते हैं। आपको ये हेल्प करेगा अपनी अंडरस्टैंडिंग में, और बजाय कि जज्बात के अंदर आप मगलूब होकर कुछ कर जाएं या कह जाएं तो अपने आप को पहले समझें, जानें और फिर आप कोई एक्शन लेने की तरफ जाएं। इसके अलावा जाहिर है कि शेयरिंग में की इम्पोर्टेंस को भी हम कभी भी कम नहीं समझते, और हम कहते हैं कि बातचीत करना अपने प्यारों से, सिग्निफिकेंट अदर्स से, वो भी अपने बारे में जानने में हमें डेफिनेटली मदद देता है। फिर जैसे इमोशन एक्सपोजर की हम बात करें, इमोशंस को समझने की, जानने की, तो इसमें इमेजरी की भी बड़ी इम्पोर्टेंस है, जिस पर मिस भी बात करेंगे कि इमेजरी में, मेडिटेशन में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि इस फोरम पे हम करवा तो नहीं सकते, बट हम गाइड ज़रूर कर सकते हैं कि उसके थ्रू भी अपने जज्बात को इस तरह देखें कि जैसे वो एक सेपरेट एंटिटी है, राइट। और उसको फिर जस्ट उसका मुशाहिदा करें, उस वक्त उसको ब्लॉक करना या उसको जज करना या उसको रिजिस्ट करना या कोई एक्शन फौरी तौर पर लेना ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। तो ये चीज जो है ये प्रैक्टिस मांगती है, पेशेंस मांगती है, बट अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने जज्बात की मैनेजमेंट के सफर पे जो है वो गामजन निकल सकते हैं।